बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सारा सामान कहाँ चला गया यार? एकदम से चीनी पत्ती सब गायब, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? ऐसा क्या कहत आ गया, अब इतने भी नंगे भूखे नहीं हम। ये चुटकी क्या बजा रही हो भाभी? सारा अदब एहतराम भूल गई हो? और ये बताओ ये सारी चीजें एकदम से कैसे खत्म हो गई? मुझे चाय पीनी है, ना दूध है, ना चीनी है, ना पत्ती है। हाँ, कुछ नहीं है। तो जाओ जाकर फिरोज को दौड़ाओ, मुझे चाय पीनी है, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, और हाँ वो कुछ बिस्किट वगैरह भी मंगा लेना। होगा तुम्हारा, कान खोल के सुन लो, तुम्हें चाय पीनी है, तुम्हें बिस्किट खाना है, यहाँ तक के जहर भी खाना है, खुद कमाओ और खा लो। तुमने बहुत हराम की रोटियां तोड़ ली, आज से सबन। सबन? इतना नीचपन? अब्बा अब्बा, मैं कह रहा हूँ रुकैया तुम हार जाओगी। अरे मैं नहीं हारने वाली, ये पलके ना झपकाने वाला खेल मैं पहले बहुत खेल चुकी हूँ। किसके साथ खेले तुमने? खेल जाए औरत, किसके साथ खेले? अरे मेरे मुंह से निकल गया था, देखो हशमत, गुस्से में पलके ना झपका लेना कहीं। हशमत की आंखों में ज्यादा देर देखोगी तो दीवानी हो जाओगी। अरे वो तो मैं बहुत पहले हो चुकी हूँ और लोग मुझे कहते दीवानी हो गई हूँ, मस्तानी हो गई हूँ। अब्बा अभी रुक जाओ भाई, अभी फाइनल राउंड चल रहा है। हद है भाई, इतना बड़ा घर में नीचपन चल रहा है। बाप यहाँ बैठे हुए, एक सड़े रिश्ते में बंधे हुए, तन्हाई में बैठ के पलके ना झपकाने वाला खेल खेल रहे हो और तुझे ये नीचपन लग रहा है? नीचपन लग रहा तुझे? अरे अब्बा मेरा कहने का मतलब ये नहीं, ये तो छिछोरापन है, घर में इससे भी बड़ा नीचपन चल रहा है। माँ बाप को छिछोरा कह रहा, माँ बाप को छिछोरा कह रहा। कम से कम इस तनकी की पूरी बात तो सुन लो, कहना क्या चाह रहा है ये? अरे और रुकैया खाला, माँ को कह रहा तमीज़ी बात करने की। अरे भाई घर में से चीनी दाल चावल आटा सब गायब कर दिया गया है और फिरोज की बेगम कह रही है खुद कमाओ, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है और आप यहाँ बेगम के साथ बैठ के नहीं लड़ा रही। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे अब्बा ये हमारे घर के किचन को क्या हुआ है? ऐसा सहाय सहाय कर रहा है, घर में ढाका पड़ा है क्या? घर में पापे तक नहीं है। अरे डाकू पापे क्यों लेके जाएंगे? तो जाओ ना भाई, खुद कमाओ जाके, बाप भाइयों से क्या पूछ रहे हो, दफो जाके। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई का नहीं, मजाकरात का वक्त है। अरे ये घटिया पन्ना किरानी कर सकती है, मेरी बेटियां ये नहीं करेंगी। इंक्वायरी होगी, मुकम्मल इंक्वायरी होगी। अनाज छुपाना तो वाकई एक घटिया हरकत है। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। ये देख, कहाँ जा रही है फौज? ये फौज अपने लीडर को फॉलो कर रही है। लीडर को तो देखो, चीटर कहीं का। इतने बूढ़े और लाचार बाप को तेरी लुगाई चीटर बोलिए हैं? इतने नुरानी चेहरे वालों को चीटर बोलिए, कहीं से ये तुझे चीटर लगता है मेरा? चुप, उसने एक बार बोला तूने पूरा शहर बना दिया। बेबी आप जरा अपने रूम में बैठो, हम लोग मुजाकरात करके आते हैं। अरे चलो, कहीं मुहूर्त निकले जा रहा है। ये देखो इनके बाप की शादी हो रही है, मुहूर्त निकाला। बहरोज मैंने तुम्हें क्या बोला था, एक कप चाय का कहा था ना, और तुम इस बेकार फौज के साथ शामिल हो गए। ए लड़की, इस फौज का हिस्सा नहीं बनेगी तो भूखी मर जाएगी, राशन पानी बंद हो गया है। और जनमुरी तू बीवी के लिए चाय बनाने निकला था? पापा वो बेबी के सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा एक कप चाय पिला दूं। अब्बा इसको फौज से निकालो, इसका कोर्ट मार्शल करो, हमें नहीं चाहिए ऐसे जनमुरी। अरे ऐसे नहीं करना, हमारी नफरी तो वैसी कम है, बाजीराव अश्यू ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। क्या बाजीराव अश्यू, किस कदर बेहूदा नाम है, मर्दों का नाम भी भला बाजी होता है। अरे भाई यहाँ रह के क्या फौज को खड़ा करके थकाने हैं? लानत भेजो ऐसी फौज पर और ऐसे सिपा सरार पर। नहीं नहीं, सेनापति पहले इसको मारेगा, उसके बाद फौजी आगे बढ़ेंगे। बेगम ये किचन का सारा सामान ये कपड़ों की अलमारी में क्या कर रहा है? तुम्हारी तो सारी शोखियां मैं अभी निकालती हूँ। मेरे मासूम के सवाल में आप खामखा नाराज हो जाती हैं। ये यहाँ पे मैंने रखा है और अब ये यहीं पे पड़ा रहेगा। ये लोग सब कुछ खुद लेके आएंगे, घर का राशन, यूटिलिटी बिल, हर चीज खुद, वरना तुम्हारा ये भूखा और बेरोजगार खानदान हमें फुटपाथ पे लेके आ जाएगा, समझ लो तुम। बेगम ये इनके बस की बात नहीं है। तो मरे भूखे, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बेगम फिरोज, ये कौन आ गया? महाबली तुमसे मिलना चाहते हैं। महाबली? ये महाबली कौन है? अगर जान की अमान चाहते हो तो फौरन दरवाजा खोल दो, नहीं तो फौजी अंदर आ जाएंगी। बेगम मुझे तो ये दुश्मनों की ललकार लग रही है। आजा आजा भाई, आजा आजा, रास्ता छोड़ो, आगे भाई आगे आगे, सब लोग आगे। क्या ड्रामा है ये?
महाबली तुमसे बात करना चाहते हैं। महाबली, ये महाबली कौन है? तुम्हारा बाप है महाबली। तुच्छ नीच जनमुरीद, मतलब मुझे क्यों कोसा जा रहा है भाई? भाभी, वैसे मुझे आपसे इतनी छोटी हरकत की ना बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे थी इससे भी छोटी हरकत कर सकती है, लेकिन मेरी बेटियाँ ऐसा कभी भी नहीं करेंगी छोटी हरकत। बस हो गया, अब चुप। और तुम महाबली निकलो यहाँ से, अपने दो फारिक बेटों को लो और जाके राशन भरवाओ। फिरोज अब इस घर में एक रुपए का भी राशन नहीं डलवाएगा, समझ लो तुम? इस उम्र में ये बूढ़ा और लचार, ये ढीला बाप तुम लोगों को काम करते हुए अच्छा लगेगा? ए, ढीला किसको बोल रहे हो? ढीला किसको बोल रहे हो? अब मैं बता रहा हूँ महाबली की हट रही है। एक मिनट में ना मेरा कमरा खाली कर दो, बता रही हूँ मैं। तौबा तौबा, अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो जोन से ही मार देती मैं उसे। अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो बेटा बाद में आना, अभी मुजाकरात चल रहे हैं। चलो क्या हो गया भाई, हम मुद्दा लेकर आए। मुद्दा लेके दफाओ शेरी, तुम चुप करो। सुल्तान आप बोले। हाँ भाई, बात असल में ये है कि मेरी बेगम उज्मा ने ये फैसला किया है कि बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल जो अब तक मैं दे रहा था, अब मैं नहीं दूंगा। लिहाजा ये शेयर होगा तमाम अफराद के बीच और सब अपना अपना इंतजाम कर लें। बिल्कुल, हमने बहुत लंगर बांट लिया, अब हर चीज में शेयरिंग होगी। मारो, जान से मारो, बेटी है ना तुम्हारी, मारो। इस घटिया खानदान में शादी करने से बेहतर था किसी गैंगस्टर के साथ भाग जाती, कम से कम ये जलालत ना सहनी पड़ती। बेटा बेरोज पता लगाओ, कोई गैंगस्टर होगा ऑप्शन में, ऐसे ही नहीं कह के गई। चलो बस अब चलते बनो सबके साथ। वैसे किरण बेटा, कोई बीच की राह निकाली जा सकती? पापा आपने बहुत देर कर दी, अब मुमकिन नहीं है। सरदार हैं, बेगम की हाँ में हाँ मिला रहा। हाय अल्लाह। शरी बेटा, मारपीट करके बाहर आ जाना, अब मुजाकरात फेल हो। और महाबली तेल हो गए। आओ भैया। ओहो, छोड़ा इसे शरी, मैं तुम्हारा सर। पागल औरत, दूर हो जा, समझा दे पागल औरत को। ये तो बहुत बुरी हो गई तुम लोगों के साथ, अब तुम लोग खाओगे पियोगे कहाँ से? अरे हशमत को अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन वो अपने मासूम बच्चों को भी लगता हुआ नहीं देख पा रहा। हशमत भाई, तुम पे ये बातें ना जैसी नहीं, तुम तो वो जहरीला सांप हो जो वक्त पड़ने पर अपनी औलाद को भी डस ले। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना इनकी, जाओ मजदूरी शुरू करो। शरी बेटा, तुम अभी तक उठे नहीं। इसलिए बुलाया कि तुम्हें पथारे के आईडिया थे। इधर। वैसे ये ठीक कह रहे, कुछ दिन लगा ही लो। अबे चल, ये हमारी फौज पथारा लगाने पे तैयार हो गई। मेरे पास एक और प्लान है, डिवाइड एंड रूल। ये क्या होता है? पठारे से ऊपर की चीज लग रही है। अबे चल, जा ही गई। फिरोज की रेकी करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? अबे ये रेकी क्या होता है? रेकी? अबे तेरे बाप ने फिरोज को कत्ल करने का प्लान बना लिया है। बड़ा ही नीचे मेरा बाप। वो तो मुझे पता है, बहुत बड़ा नीचे तेरा बाप। अबे तू बोल, अबे तू भी तो बोल रहा है। वो मेरा बाप है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, तू नहीं बोलेगा। घर में पहली बार चोरी करने जा रहा हूँ अल्लाह, अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मेरी बिस्मा की खूबसूरती कम हो जाएगी अल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर देना, अपने घर में चोरी करनी पड़ रही है। कुछ तो है, कुछ तो है, यकीनन कुछ तो है। कुछ नहीं। ओए, कहां से आई ये चाय?
कौन लाया ये चाय, कैसे आई ये चाय, यकीनन तुमने चोरी की है। अरे सुल्तान भाई, आपको कैसे बताऊं मैंने ये एक कप चाय कैसे बनाई। एक चम्मच पत्ती मैंने ली सीधे हाथ के पड़ोसी से, एक चम्मच दूध मैंने लिया उल्टे हाथ के पड़ोसी से, एक चम्मच चीनी मैंने ली सामने वाले पड़ोसी से, तब जाके बनी एक कप चाय। शर्म नहीं आ रही जर जर भीख मांगते हुए तुम्हें? आप लोगों को गैरत नहीं आई हमारा खाना पीना बंद करते हुए? हट्टे कट्टे हो भाई, कोई काम करो, तुम क्या हो गया तुम्हें? आपने कभी भैंस को काम करते हुए देखा है? अबे भैंस का इससे क्या ताल्लुक है भाई, वो भी तो हट्टी कट्टी होती है। अच्छा ये मेरी बेबी मेरा इंतजार कर रही है। सही कह रहा भाई, बड़े आए मेरी गैरत जगाने वाले। भैंस को मैंने काम करते हुए नहीं देखा भाई, बात तो बिल्कुल सही करके गया भाई, भैंस को नहीं देखा मैंने काम करते हुए कभी भी भाई। बिस्मा बेबी बेबी, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय ले आया। मुझे बताओ ये चाय का सामान आया कहाँ से तुम्हारे पास? हाँ अरे किसी को पता नहीं चला, ये चाय का सामान मैंने किरण भाभी की अलमारी में से निकाला, और इतना निकाला कि उन्हें शक ना हो, ताकि कल फिर निकाल सकूं। ला लाना था तुम्हारी जिंदगी पर बहरोज, मतलब तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी जॉब कब छूटी थी? हाँ रमजान में छूटी थी ना। बिल्कुल, और एक महीने बाद फिर से रमजान आ गए, किस कदर के ढीठ इंसान हो ना तुम। ठीक है अब से मुझ पर खाने का एक निवाला और पानी का एक घूंट भी हराम है ना, जब तक तुम कोई नौकरी नहीं करते याद रखना। अरे अरे बिस्मा इतनी बड़ी कसम मत लो, क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो, अपनी कसम वापस लो फौरन फौरन। मतलब तुमने फैसला कर लिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगे, जो मुझे कहना था ना मैंने कह दिया, चले जाओ तुम यहाँ से। ठीक है बिस्मा ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए इस चाय के साथ पापे लेके आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं पिघलती। यहाँ बैठ के कौन जुगाली कर रहा है? वाह भाई वाह ड्रामेबाज लड़की, मेरे बेटे से तुमने क्या बोला कि पानी का एक कतरा अलग से नीचे नहीं उतारूंगी, एक निवाला नहीं खाऊंगी, और यहाँ बैठी भी चिप्स पे चिप्स, चिप्स पे चिप्स चल रहा है। वो मुझे भूख लग रही थी बस इसलिए। पता है ये सब ड्रामे है, मुझे पता है सब ड्रामे। अच्छा बस बस बहरोज को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। एक तो झूठ बोल रही हो ऊपर से धमकी दे रही हो। भाई मैंने आपसे जिंदगी में पहली बार कोई फेवर मांगा है, आप ना बताइएगा उसे, बात मान जाए मेरी। अच्छा पहले मुझे चिप्स दो, ये चिप्स दो दो दो, जाओ जाओ नहीं बताऊंगा जाओ। ए जंगली जानवर दरिंदे इधर दे, ये लो तुमसे बढ़ के थोड़ी है बेटा, सॉल्टी नहीं अच्छे, देखो एक एक दे दो, एक एक अच्छा अच्छा खा लो सारा दो। ए लड़की पंगा क्यों बन गया, देख नहीं रही तुम यहाँ बैठ के मैं प्लानिंग कर रहा हूँ? होगा कोई शैतानी प्लान। अरे ओ बड़े मियाँ, इतनी आजादी से अब यहाँ बिजली खर्च नहीं होगी, अपने कमरे में जाकर बैठो, वहीं पंखा चल रहा है। चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ तुझे बद्दुआ दे दूंगा। लड़की खाली पेट तुम सिर्फ बद्दुआ ही दे सकते हो। बेगम कहाँ है आप, कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ भाई। क्यों सुल्तान पंगा चलाओ, पंगा चलाओ। भाई बात सुने, मैं उज्मा किरण और फिरोज अब मजीद आप लोगों का दोजख नहीं भर सकते भाई, खुदा रहा कुछ करे, जोक बन गए आप लोग। अरे जोक नहीं अज़्दहा बोलो अज़्दहा। ये देखो कबर की तरह अंधेरा कर दिया है, खुद का शौहर है ना कोंडा जैसा है, मुझे अज़्दहा बोल रही है। सुल्तान जोरू के गुलाम छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, ये देखो अंधेरे में अब क्या करे आप बताओ। अब्बा आप सोफे के पीछे क्या कर रहे हो? बेटा भूख की वजह से निगाहत हो गई थी, थोड़े चक्कर आ गए, सोफे के पीछे ही सो गया था। अरे अशु 20 रुपए वाले बर्गर की कैसी खुशबू आ रही है? होता है रुकैया भूख में होता है, मुझे भी चिकन बिरयानी की खुशबू आ रही है, खाली पेट भी गैसेस हो जाती है पेट में। तुम लोग बैठो मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। अरे अशु खाली पेट में क्यों कर नींद आने लगी भला? कोशिश करूंगा मेरा बच्चा। अच्छा अरे गिर गया, आए मेरा लाल, आए मेरा बच्चा।
बच्चा, क्या करूं? बाप के सामने टांग पे टांग डाल के बैठे हो, पैर ला रहे हो आगे से। अरे भाई, ये तुम्हारे घर का शाहरुख खान अलग खड़ा हुआ कितना बुरा लग रहा है। बैठ गया भाई, क्यों खड़ा हुआ खंबे की तरह? तुम चुप करो, पत्थर की तरह तुम खुद पड़े हो यहाँ इतने अरसे से। भाई शहरी, तुमने अपने आज की बेइज्जती का कोटा पूरा करा लिया। अरे भाई हशू, सब छोड़ो, ये बताओ भाई हमें यहाँ मधु क्यों किया गया? लो भाई, इन्हें मधु किया गया, दुनिया जहाँ की भूखी और कंगली औरत को मधु किया गया भाई। वाह, एक्सक्यूज मी, मेरी अम्मा जो आज भूखी है वो सिर्फ आपकी वजह से, समझे आप? अच्छा भैया, रुकैया के लिए चिप्स मंगाते हैं। मिस्मा, क्या बोलती हूँ? अरे मिस्मा, मेरी बेबी, तुम टेंशन ना लो, तुम ये पानी पी लो, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी जब तक तुम कोई नौकरी नहीं कर लेते, समझे तुम? भाई बिस्मा, वंस मोर भाई, बंद करो ये नौटंकी। मेरे ख्याल से आप लोग ये फजूलियात जो है, ये मामला हल होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा यार, जल्दी करें, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। सुल्तान आप शुरू करें। ओ भाई, अब कोई सुने ना सुने, मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। इस घर का किराया 45,000 रुपए मैं देता हूँ, राशन की मद में 30,000 और बिल वगैरह का खर्चा 25,000, ये बन गया 1,00,000 रुपए भाई, ये मैं देता हूँ। अब ये 1,00,000 रुपए इक्वली डिवाइड होगा भाई, फिरोज, शेरी, हशमत, बहरोज और मुझ में। बिल्कुल ठीक है आप, मुझे भी मंजूर है। अबे ये तो इनका बाप भी नहीं कर सकता। शेरी बजाओ भाई। अरे मारो इस कमबख्त को, यही है फसाद की जड़ सारी। भाई मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं, मुझसे नहीं बैठा जा रहा बहुत। अच्छा, ज्यादा चक्कर देने की जरूरत नहीं है, अब बैठ जाओ सब लोग, अब मैं बात करूंगा। हाँ भाई, अब महाबली करेंगे खिताब। अबे चल, महाबली खिताब करेंगे। एक पर्चा मैंने भी बनाया है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, इस घर का किराया हमेशा से फिरोज देता आया है, अब भी वही देगा। रहा खाना पीना, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है खाने पीने पर, वो रुकैया के खाने पे आता है। रुकैया जो है उज्मा की माँ है, तो वो अपनी माँ का खाना रोककर जहन्नुमी तो नहीं बनना चाहेगी, इसलिए खर्चा सुल्तान ही उठाएगा। रह गया बिजली का बिल, तो हमने देखा है कि बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमें बिस्मा के कमरे में नजर आता है। एक तो हेयर स्ट्रेटनर, दूसरा इसका मोबाइल हर वक्त चार्ज पे लगा रहता है, जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। इसका फौरी हल ये है कि शेरी बेटा, इसका मोबाइल, चार्जर और स्ट्रेटनर, तीनों चीजें फौरन जब्त कर ली जाए। बैठे रहो भाई, और कोई दो चीजों से बिल नहीं आता, चार्जिंग से बिल आने लग गया। भाई बिस्मा, चिप्स मंगाऊं? चिप्स? अरे अब्बा, ये आपने सुबह से क्या चिप्स चिप्स लगा रखा है? मेरी बिस्मा, मेरी बेबी, कल से एक दाना इसने अपने पेट में नहीं डाला, और अब ये खाने पीने की बातें कर रहे हैं। छोड़ो ना इस बात को, हम बाद में बात करेंगे ना। चलो भाई चलो, सब कुछ क्लियर हो गया, बैठने का फायदा नहीं, उठो। कुछ क्लियर नहीं हुआ, कान खोल के सुन लो, ज्यादा चक्कर ना दो, काम ढूंढो जाके। मेरे ख्याल से आप लोग ये फजूलियात मुझे हल होती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे ऑफिस से ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, मैं चल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, फिल्म स्टार लग रहे हैं आप, एक ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? क्यों नहीं, पेन कहाँ है आपका? पेन बोरा सोफे के कोने में, देखिएगा। मजाकरात फिर फेल हो गए, महाबली फिर तेल हो गए। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, बाप को बोल रहे तेल हो गए। किधर मार भाई, मार भाई, मार भाई, मार भाई, मार। अब वो वक्त आ गया है जो मैं चाहता था कि ना आए। अब फिरोज का पीछा करो, क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कुछ भी करो, कोई चक्कर निकाल कर लेकर आओ। अगर ना निकला तो उस इंसान, तुम पहले ही मायूसी की बातें फैला दो, लोगों की ऑफशोर कंपनियां निकल आती हैं, उसका एक चक्कर नहीं निकलेगा। लेकिन अशमत भाई, इससे होगा क्या? अगर घर बचाना है तो घर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब्बा, मेरी बीवी कुछ खाएगी नहीं तो वो मर जाएगी। अबे चल, जा जाके उसको बता दे लग गई तेरी नौकरी, और लग जा मुजाहिद के साथ काम पर, यही नौकरी है बस। मैं मुजाहिद के साथ काम करूंगा? बस बेटा, बुरा वक्त चल रहा है। ओ, मैं भी लानत भेजता हूँ ऐसे काम पे यार। नहीं, मुजाहिद बगैर पिटे तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। अरे अरे अरे, अभी मैं सिर्फ डरा रहा था, तुमने तो उसको धो दिया। अब बात सुनो, देखो ये है गुलशन चौरंगी, यहाँ से निकलता है फिरोज, इधर से होता हुआ पहुँचता है डालमिया, डालमिया से इधर भैरिया वाले रोड पे आता है, ये कारसास पे यहाँ से निकला, और फिर शारा फैसल, समझ रहे हो तुम लोग? अरे क्या हशमत भाई, ये सारे रास्ते हमने देखे हुए, बिला वजह नक्शा बना रहे हो, इतनी लंबी कर रहे हो, ओवर एक्टिंग कर रहे हो। नहीं नहीं भाई, अब इसको मारो, अब इसका बनता है। अगर हम लोग रैकी करते हुए आगे पीछे हो गए तो ये वो जगह है जहाँ हम लोग मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, हशमत भाई, यहाँ तो बड़े छापे पड़ते। अरे नहीं नहीं, वो आगे, ये वो जगह नहीं है। तो ये कौन सी जगह है फिर? ये मुझे कोई मैदान लग रहा है, बस इसको दिमाग में रखो, ठीक है? नक्शा अपने जहन में बिठा लो। अब्बा नहीं होगा। किरण भाभी, ऐसा जुलम ना करो, मेरी बीवी मर जाएगी। कमाओ ना जाके अपनी बीवी के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा निकम्मा शौहर यहाँ पे चाय की पत्ती और चीनी चुराने आया था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। किरण भाभी, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता, हालात उन्हें ऐसा बना देते। तुम तो मुझे जितना जलील करवा सकते हो सुकून से करवाओ, चोरी कर लेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे,
थी इतनी तो। मिस्मा, मिस्मा, मिस्मा। क्या करती हो, मुझे भी डरा दिया, जाओ यहाँ से। बेबी, बेबी, बेबी। अरे सब पागल हो गया, तुम्हें मैंने कहा था रैकी पे जाना है, तुम यहाँ बीवी के पीछे पीछे घूम रहे हो। पापा मेरी बेबी भूखी प्यास से मर जाएगी पापा। अरे नहीं मरेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, और अगर इतनी परवाह अपने बाप की होती ना तो आज यहाँ जलीलो ख्वार ना हो रहे हो। अरे भाई क्या हो गया हसमत साहब, ये बेरोज क्यों रो रहा है? असल में इसे एक बात पता चल गई है, इसलिए रो रहा है। क्या बात पता चल गई है? रहने दो, तुम्हें जानकर दुख होगा। नहीं भाई बताएं भाई, क्या बात है भाई? असल में बात यह है कि उस्मा का किसी, यार अच्छी बात नहीं है, मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दो रहने दो। शेरी क्या है, क्यों चिल्ला रहे? अरे शेरी की बात नहीं है, वो कोई और है, उस बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाद में बात करेंगे, चलो भाई। अरे बात सुने अश्वथ साहब, मेरी बात सुने, पूछ माजरा क्या है, आखिर मुझे पूरी बात तो बताएं। पापा ये शख्स कौन था जिसकी आप बात कर रहे थे? क्या उज्मा बाजी का वाकई में किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? बस 10 बार बोला है, मुझसे पूछे बगैर मेरी कोई बात मत किया करो। अबे चल, तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, कोई और है। कौन है, कौन है अब्बा? मैं बोल रहा हूँ कौन है, बता दो मुझे। पापा बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, ये बेचारा भूख से जंगली हो गया पापा, ऐसा नहीं है मेरा भाई। अभी मुझे पता नहीं है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, इस सुल्तान ने मेरा खाना बंद किया, मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, देखना तुम। अच्छा अब मैं समझा, उस्मा का कोई चक्कर ही नहीं है, आप भी कोई चक्कर चला रहे ना? उस्मा की वजह से इसने बाप के गिरबान पे हाथ डाला, इसकी तो। अश्वथ साहब, बस रोक दो। अरे अरे 5,000 का खुला नहीं है? नहीं 5,000 का खुला नहीं है। एक काम करो, 20 रुपए का डाल। 20 रुपए का? अच्छा 30 रुपए का डाल दो भाई, 30 रुपए का डाल। ये लो। एक मिनट, ये देखो ऊपर वाला मीटर तेज चल रहा है, नीचे वाला स्लो है। अच्छा ऊपर वाला पैसों का है, नीचे वाला लीटर का है। अच्छा अच्छा वही मैं बोलूँ, आगे पीछे चल रहा है। वैसे इसकी सेटिंग होती किस तरह है? जाओ चाचा अपना काम करो यार। अच्छा अच्छा, अरे मेरा बेटा कहाँ गया? चला गया। क्या मुझे छोड़ के चला गया? मुझे क्या पता, अजीब सुन वाला था, बाप को भूल के चली गई, बताओ। वैसे भी नहीं है, अब क्या करेंगे? नसवारी ले लेता, 10 रुपए वाली केबिन ही नहीं है कोई। अबे इस कंगली के पास गाड़ी कहाँ से आई? अरे रे इसकी गाड़ी नहीं होगी, ये ऑफिस की गाड़ी है, और देख तो सही इस पापी को, घर में कसम की बिल्ली बना होता है ये। अबे हसमत के खून में ही गद्दारी और बेवफाई है, देख रहेगा गुलामी, खुद दरवाजा खोल ले। अरे भाई गुलाम नहीं, भाई जनमुरीद है। अबे तू तो ना बोल, क्लोज करके लूंगा इसकी। भाई इस गाड़ी के पीछे लगा दे। कब तक अकेले अकेले खाएगी? देखना तुझे हजम नहीं होगा। हाँ तो ना हो, बरका टूट जाएगी देखना, नहीं उठेगी बेफिकर है। तूने हमारा रिक्स रोका है ना, तेरे पे ऐसी आफत आएगी कि तुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। ओके आने दे, मैं देख लूंगी। अरे थोड़ा सा तो चका दे, मैं ना आपको खिला देती, मगर आपने जो यहाँ के फापा कुटियों की तरह मुझे कोसा है ना, अब तो इतना सा भी नहीं खिलाऊंगी मैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अरे भूखी मर रही हूँ। ये कौन है? अरे ये तो वही बुड्ढा है जिसकी वजह से हमारा नौकरी गया था, चौकीदारी वाला। ए चाचा, ए चाचा उठो उठो। कौन सी जगह है ये? इब्राहिम हैदरी है। क्या इब्राहिम हैदरी आ गया? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे तुम तो वही हो जो चौकीदार थे पहले, अब कंडक्टर लग गए। हाँ तुम्हारा वजह से हमारा वो नौकरी गया था, आज हम कंडक्टर हैं। ये तो अच्छा काम है, इसमें ज्यादा पैसे हैं। चलो शाबाश किराया निकालो। दे रहे भाई दे रहे हैं, कैसे जाएंगे यहाँ से वापस भाई? ये क्या पूरा किराया निकालो शाबाश। स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट शक्ल देखो अपना, स्कूल का दरवाजा नहीं देखोगा, कमर में पैर है। क्या हो गया, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती, कभी भी पढ़ सकते। चलो शाबाश उतरो, नीचे उतरो, चलो शाबाश। आराम से जा रहे जा रहे, चलो चलो नीचे उतरो, चलो। कैसे जाएंगे? अबे शेरी भाई तुम अब्बा को भूल कर आ गए? अबे कैसा सुन आदमी है भाई तू, बाप को कोई भूलता है क्या? अबे यार हो गया तो हो गया ना, नहीं रहा ध्यान में। अबे भाई पता नहीं वो पागल कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। ओ भाई
वो पागल नहीं, वो लोगों को कर दे पागल, यू बोल। हाँ सही कह रहा है ये। अरे अरे बेटा, यहाँ सन्नाटे में खड़े हुए क्या कर रहे हो? जाओ चाचा अपना काम करो। अपना काम ही कर रहे हैं भाई, ये बताओ एक्टिंग करोगे? नहीं नहीं, मैं छोटे पर्दे में काम नहीं करता। अरे नहीं, छोटे पर्दे की नहीं, फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म में एक्टिंग करोगे? आप डायरेक्टर हो? अरे नहीं भाई, हम कहाँ डायरेक्टर, हम तो एक्टिंग कोऑर्डिनेटर हैं, आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेंगे ऑडिशन, कर लोगे? हाँ हाँ, मेरे अंदर तो कूद कूद के एक्टिंग भरी हुई है। पक्की बात है? हाँ हाँ। लगते तुम हीरो हो, चश्मा उश्मा लगा के वैसे माशाल्लाह। वो सीन क्या होगा? सीन कुछ ऐसा है कि तुम अपनी पुरानी महबूबा से मिलने उसके घर गए, वो तुम्हें नहीं मिली, उसकी जगह एक और लड़की है जिससे तुम्हें उसी वक्त मोहब्बत होगी, खड़े खड़े कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ, एक से बढ़कर एक बेवकूफ है। क्या फिल्म का नाम है? एक से बढ़कर एक बेवकूफ। आओ। छोड़ के आ गया, मैं वहाँ बसों में ख्वार हो रहा हूँ, एक दिन का भूखा प्यासा। अब्बा जहन से निकल गया था कसम खुदा। अरे वो कहाँ गया? इधर आओ भाई, तुम इधर आओ, वहाँ क्या खड़े हो? इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? ये वही लड़का है जिसकी मैं सुल्तान से बात कर रहा था। अबे तू है? अगर उसमें की तरह तूने आज भी उठा के देखा ना तो तेरा खून निकाल दूंगा। छोड़ो भाई छोड़ो, बना बना काम खराब हो जाएगा, छोड़ो इसको। उसमें कौन? वही वही वही। भाई ये है कौन, क्या माजरा चल रहा है? सब पता चल जाएगा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चलो उतरो, तुम उतरो, तुम मेरे साथ आओ भाई, तुम लोग आओ तीनों रिक्शे के अंदर। हटो भाई हटो, बैठो इधर, हम ख्वार हो रहे हैं इनके चक्कर में। नहीं 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 नहीं, हम नहीं निकलेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मा उस्मा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर तो तुमसे मिलने आया। मुझसे मिलने कौन आया? मुझे क्या पता भाई, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, खुद जाके देख लो। तुमसे तो बात करना फजूल है। तो जाओ, अब पता चलेगा हमारे खिलाफ गेम है। भाई आपसे मैंने कुछ पूछा था, आप आधी बात करके चले गए, ये कोई तरीका है बात करने का? आओ मेरे साथ, पूरी बात बाहर खड़ी है। भाई क्या मतलब, क्यों उलझा रहे हैं भाई आप? अरे हम नहीं उलझा रहे अजीब, आप मुझे, तुम मेरे घर में कहाँ घूम रहे हो? ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? अरे क्या हो गया अश्मत भाई, सुबह से धूप में आग के चक्कर में खुआर हो रहा हूँ, बंदा मुँह हाथ भी नहीं धोए। मेरे साबुन को हाथ तो नहीं लगाया तुमने? अरे तुम्हारा साबुन, सारे साबुन लोग करके रखे हुए, बताओ नहाने वाले टब के अंदर तो तुमने मछली और मेंढक छोड़े हुए। इन लड़कियों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम एक काम करो, वो तस्वीरें फौरन व्हाट्सएप कर दो किरण को, एक लम्हे की ताखीर के बगैर। अब सारी गेम मेरे हाथ में आ गई। अल्लाह तौबा अश्मत भाई, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, कितनी गंदी गेम खेली है यार तुमने, तुम तो मेरी नजरों से गिर गए। मुजाहिद बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, तौबा करूंगा। सच सच के बोलो, हमें अश्मत भाई गलती हो गई, मैं सब लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। सबको नहीं, सिर्फ किरण को करनी है, जाओ जाओ फौरन जाओ। अरे भाई ये टास्क गेम, व्हाट्सएप तस्वीरें, ये सब क्या हो रहा है भाई? बहुत कुछ हो रहा है, आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। वो जाती हुई सर्दियों की ठहरी हुई एक रात के मंजनित लम्हे जैसी, मैं भी कितना पागल था जो उसे ढूंढने यहाँ चला है। मुझे लगा उज़्मा यहाँ रहती है, लेकिन आप तो कोई और उज़्मा। ओह, आप इतनी मोहब्बत करते हैं उससे? इतनी इतनी? खैर लगता है आप अभी कॉलेज से आई हैं। मैं पूछ रहे थे ना तुम पूरी बात, ये रही पूरी बात, देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। मुझे तो कोई बहुत पुरानी मोहब्बत लगती है। मैं इसे छोड़ दूंगा। किसे? उस्मा को। रो मत रो मत, बूढ़ों को रुलाया था ना, बुजुर्गों लाचारों को, अल्लाह तो दिखाएगा तुम्हें। मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती, वो मैं तो ये अपने शौहर के साथ। नो 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 नो। क्या रियली आप शादीशुदा हैं? मैं नहीं मानता, मैं ये बात हरगिज नहीं मानता। मैं क्या करूं? अगर तुम खुद पर ध्यान देते ना तो आज तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ ऐसे हंस हंस के बातें नहीं कर रही होती। तो अब मैं क्या करूं? भाई डेविड बन सकते हो तुम अभी भी, थोड़ा खर्चा आएगा लेकिन उसके बाद तुम्हारी बीवी ऐसे वैसों को मुंह नहीं लगाएगी। कैसे भाई? भाई आजकल गोरे होने की क्रीमें आती हैं, इंजेक्शन टीके वगैरह भी लगते हैं, बस लाख रुपए तक का खर्चा है, फिर तुम हो जाओगे ब्रैड पिट, फिर तुम्हारी लाइफ आसान। कैसे हो जाएगी? पैसे हैं? जी है। आओ आओ मेरे साथ आओ, पैसे मुझे, आओ आओ इधर आओ। फिरोज, फिरोज, अरे क्या हो गया भाभी, क्या हो गया आखिर? फिरोज किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा ही होना है आपके साथ। अरे बिस्मा क्या हो गया, खैरियत तो है? अरे अम्मा, फिरोज भाई का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हाय हाय, ये तो होना ही था, हम पे खाना पीना बंद कर रही थी। अरे पहले ही कह दिया था, अजाब में मुब्तिला हो जाएगी लड़की। अरे अम्मा क्या कर रही हो? तू जा, मैं आ रही हूँ, अगर भाभी ने देख लिया पता चल जाएगा। अरे जा तू। कहाँ
कहाँ है डायरेक्टर साहब? उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा? हाँ हाँ देखा भाई, छुप के देख रहे थे। क्या छुप के देख रहे थे? खैर कहा क्या उन्होंने? अरे भाई वो कह रहे थे लड़का तो स्टार है, पहली फिल्म से सुपर स्टार बन जाएगा, ऐसी बात कर रहे थे। अभी काम करो और तुम निकलो, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन आपके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। अच्छा भाई तुम हमारा नंबर लिखो, लिखो 0800-111-911। ये नंबर तो सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ भाई मशहूर आदमी है फिल्म इंडस्ट्री में, हर बंदा हमें जानता है, नंबर तो मशहूर ही होगा। ठीक है देख लो। ओके 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 अल्लाह हाफिज़। ओके ओके आप करते रहना, ये इलेक्ट्रिक का हेल्पलाइन का नंबर है, सारी जिंदगी में नहीं उठाएंगे। चलो। अरे हशू ये ड्रैंग रूम का क्या हुलिया बना दिया भाई, अब वो सोफे वगैरह कहाँ हैं? ये सब मेरा आइडिया है ताकि माँ वाली वाली फील आए। और ये है माँ वाली और मैं हूँ वजीरे मार कुटाई, ये है वजीरे लगाई बुझाई। देखा भाभी इस बादशाह सिर्फ इंसान का दिल दुखाने का नतीजा। अरे तुमको पता है इनकी बथुआओं में कितना सर है, ये हमारी माँ तक खा गए। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? अब्बा मैं आपकी तारीफ करना चाह रहा था कि जज्बात में निकल गए। रोको अपने जज्बात को रोको। हाँ भाई पैसे के रोक करा रही थी मुझे, ये लो पैसा और भूल जाओ फिरोज को, समझ रही हो? अब मैं कराऊंगा उसकी शादी उस लड़की के साथ। ये तो जुल्म है, हैं? और जो तू कर रही थी हमारे साथ, हमारा खाना पीना बंद किया था, वो क्या था भाई? अरे 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 आप लोग समझाए ना फिरोज को, वरना वो शेर बन जाएगा। प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दे। आ गई ना अर्श से फर्श पर, अब मेरे सामने बैठ के अपने सुहाग की भीख मांग रही। वाह 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 क्या आप इसको जमीन पे लेकर आए, खुद को बड़ा झांसी की रानी समझती थी। वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फिरोज भाई इतना गिर जाएंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं, है भी तो आप ही की औलाद। अरे भीष्मा बाप से बदतमीजी कर रही है तू, है? और हशमत अंकल आप गए नहीं टीके लेने? टीके किस चीज के टीके? पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है। यहाँ मेरा घर टूटा है, आपको वैक्सीनेशन की पड़ी है, किसकी करवानी है? अरे सुल्तान की इसकी हुई नहीं थी ना, जरूरी है। हाँ जरूरी है। देखो किरण अब तुमने महाबली के आगे अपने घुटने टेक दिए तो समझो तुम्हारा मसला हल हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा इस घर में किसी का राशन पानी बंद नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू भी सुन ले सुल्तान, मैं तो इन लोगों के बहकावे में आ गया था। गुड अब हम लोग रेट पे होके आते हैं। रामू काका आप धन्नो और बसंती का ख्याल रखिए। ये रामू काका कौन है भाई? तुम हमारे सामने आके हमेशा मुंशी की तरह खड़े हो जाते हो, रामू काका ही बोलेंगे। चलो भाई देर हो रही है आ जाओ। अरे अच्छू ये पैसे तो ले जाए। अरे कागज के टुकड़े हैं भाई, चलो भाई आओ आओ भाई आओ, एक्सप्रेशन दे रही है यहाँ खड़ी है। जी मैडम मैंने प्रेजेंटेशन बना लिए और कल तक मैं उसे फाइनल भी कर दूंगा। हाँ गुड, फिर अब ऐसा करो पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, उसके बाद तुम ऑफिस जाओ। जल्दी आओ भाई, ये देखो ये लग रही है डेट, यहाँ पर यहाँ बैठे हुए आइसक्रीमें खा रहे, पर्स उठा रहे, लड़की का शर्म नहीं आ रही इनको। मेरा घर उजाड़ती है डायन। नहीं नहीं उस बेचारी को क्या बोल रही है, उसका क्या कसूर है, हमारा अपना बच्चा खराब है, ऐसे मारो इसे। बेगम के होते हुए तो दूसरी लड़की के साथ घूम रहे। मैडम मेरी तुम तो घर चलो, तुम्हें घर जाके बताती हूँ। अरे अरे आप मेरी बात तो सुनो। एक मिनट बेटा ये लोग मार पीट के मसला हल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं तो बोलता हूँ मट्टी का तेल मंगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ। लेके आओ मट्टी का तेल। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, घर जाके मारेंगे। अरे पापा ये सब देखने से मिला मर क्यों नहीं गए? अरे मैं क्यों मरूंगा, बेगैरती ये कर रहा है, मैं मर जाऊँ? उठाओ इसको, घर ले जाके मारेंगे, उठाओ इसको, उठाओ। आइसक्रीम मंगाऊं या सूप पियोगे? इधर आओ यहाँ बैठ के कर रहे लड़की से बात है। देखो बेटा ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, फिरोज को जॉब से मत दे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अरे मैं तो ये कहना चाह रही थी महावाली की जय हो। हाँ ठीक है इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमारा खाना पानी बन किया, ऐसा मैंने चक्कर चलाया उसी की बीवी के हाथों उसको पिटवा दिया, देखा? थैंक यू बेटा। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह मियाँ बीवी की छुपकर बातें सुनते हुए? नहीं नहीं हम छुपक के बातें नहीं सुन रहे, इतनी जोर जोर से मार रही है पूरा मोहल्ला नीचे आवाजें सुन रहा है। और तुमसे मैंने जॉब ढूंढने का कहा था ना? अरे अब्बा ने घर में सब ठीक कर दिया है, अब मुझे जॉब करने की क्या जरूरत? वो तो तुम भी हशमत का खून ना सारे के सारे बगैर। ए लड़की क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी असलियत, तुम्हारे सामने ड्रामा कर रही थी भूखी प्यासी रहने का, किचन में छुप छुप के चिप्स खा रही थी, मैंने खुद देखा आपकी आंखों से। अच्छा वो इसके चिप्स थे? हाँ भाई मैंने इससे छीने थे, तुमने मुझसे छीन लिए, तुम्हारी बीवी 2 दिन के अंदर 3 दर्जन चिप्स के पैकेट खा गई और यहाँ पे ड्रामे कर रही है, भूखी रहूंगी। तुमने मुझसे चिप्स के चिप्स खाए अकेले अकेले? नहीं अब्बा नहीं, ये आपकी पकाई हुई खिचड़ी है, मेरी बेगम ऐसा नहीं कर सकती। ये देख मुझे ठीक कह रहा था, हुसन बरसती बेगरत है, दबाओ यहाँ से।
वो हशमत अंकल मेरे टीके आ गए। हाँ हाँ भाई आ गए, ये पकड़ो अपने टीके और खुद लगा लेना जाकर। पकड़ो इसे। ओ भाई ये क्या, मैं खुद कैसे लगाऊंगा भाई? अरे भाई ये क्यों हाथ के ऊपर बांधोगे, रग ऊपर आ जाएगी, उसमें इंजेक्शन घुसे ना लग जाएगी। ओ भाई क्या हो गया, मुझे क्या नशे ही वशे समझ रहे क्या? नशे ही तुमसे ज्यादा क्रिएटिव है, अब दबा हो जाओ यहाँ से। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। अरे अशोक कैसे टीके दे दिए उसे? अरे भाई टेटनस का इंजेक्शन है, रोड पे गिर गया था तो पैर में उसका घसेरा लग गया था, इस वजह से मंगा के दिए। वाह वाह वाह, वैसे एक बात तो जरूर है। क्या? आप इतना नीचे गिर के कैसे सोच लेते हैं? हाँ भाई ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे सोच लेता हूँ। अब्बा बस, अब तुम्हारा ये सुन और सितम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मार 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 म